आया था उसमें स्वच्छता ही सेवा जो है 10 से 11 बजे तक, तो हम लोग 9:30 बजे से ही प्रोग्राम किए थे और उसमें अध्यक्ष जी और सभी वार्ड पार्षदों के द्वारा जो है सहयोग किया गया। बताए हैं कि 5 तारीख से महाअभियान चलाकर प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक दिन एक एक वार्ड करके इसी तरह का अभियान चलाकर आज का दिन तो पूरा एकदम पूरे भारतवर्ष में आज स्वच्छता अभियान चल रहा है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर पूरे देश में साफ सफाई लगातार किया जा रहा है, ऐसे में नगर परिषद कांटी के द्वारा सभापति, उपसभापति और कार्यपालक पदाधिकारी लगातार सभी जगहों पर मुहिम चला रहे हैं और साफ सफाई कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर खुद जो है कार्यपालक साहब क्या कहेंगे, कैसे सब देख रहे हैं, कैसे नहीं। ये 1 तारीख को विभाग की तरफ से पत्र आया था उसमें स्वच्छता ही सेवा जो है 10 से 11 बजे तक, तो हम लोग 9:30 बजे से ही प्रोग्राम किए थे और उसमें अध्यक्ष जी और सभी वार्ड पार्षदों के द्वारा जो है सहयोग किया गया। बाकी हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो है वो साथ में बताएंगे। क्या कहेंगे आज जो है पहन लिए हैं और लगातार साफ सफाई पहन नहीं लिए, आज स्वच्छता का हम लोग प्रचार कर रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा का। और हम लोगों को ये स्वच्छता ही सेवा ये एक दिखा नहीं रहे हैं, पूरे नगर परिषद में आप लोग की भी जिम्मेवारी है, सभी लोगों की जिम्मेवारी है कि स्वच्छता ही सेवा का ये जो है अपने से शुरुआत करनी है। अपने से शुरुआत कीजिएगा तो हर घर हर गली साफ हो जाएगी, स्वच्छता आगे बढ़ती चल जाएगी, स्वच्छ कांटी होने हो जाएगी। तो अभी ये नहीं, हम लोग 5 तारीख से हमारे कार्यपालक महोदय बताए हैं कि 5 तारीख से महाअभियान चलाकर प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक दिन एक एक वार्ड करके इसी तरह का अभियान चलाकर साफ सफाई करवाया जाए पूरे अक्टूबर मंथ। अभी कहाँ कहाँ पर साफ सफाई आज यहाँ हुई है, पूरे नगर परिषद ऑफिस से लेकर कांटी हाई स्कूल तक, और 5 तारीख से छिन्नमस्तिका मंदिर भी होगी और मजार के पास भी हम लोग जाएंगे। तो 5 तारीख से महाअभियान चलेगा, उसमें प्रत्येक वार्ड में एक एक दिन करके साफ सफाई करवाया जाएगा। क्या कहेंगे सर, साफ सफाई कर रहे हैं आज का दिन तो पूरा एकदम पूरे भारतवर्ष में आज स्वच्छता अभियान चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पे पहले से ये बहुत पहले से चल रहा है, आज का दिन भी उसी एक पर्व के त्यौहार पे हम लोग मना रहे हैं और पूरे गांव गली नगर को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस अभियान में हम लोग लग गए हैं पूरी टीम, और आज के बाद पूरे नगर परिषद के 2600 वार्ड में पूरी टीम जा करके प्रत्येक दिन पूरे सफाई अभियान का जो है वो आज से शुरू हो गया। कल से कंप्लीट, जब तक पूरा नगर सफाई नहीं होता है, क्लीन नहीं होता है, तब तक जो है हम लोग पूरे शक्ति के साथ इसमें लगे रहेंगे। और कुछ वार्ड पार्षद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आनंद जी, सुबह से ही साफ सफाई कर रहे हैं। देखिए, ये साफ सफाई तो ऐसे भी होते ही रहना चाहिए, और ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि जब हम लोग मतलब झाड़ू लेकर के रोड पर मतलब ये साफ सफाई कर सकते हैं, तो आप तमाम जो भी ग्रामीण हैं, जो भी मतलब रूरल एरिया में रह रहे हैं, वो भी साफ सफाई करें और सहयोग करें, एक दूसरे के सहयोग से ही कांटी नगर परिषद स्वच्छ बनेंगे। तो हमारा यही कामना है, हमारे सभी ग्रामीणों से जो भी हमारे जनता है उनसे विनती है कि आप भी अपने जिम्मेदार बनिए, और जिम्मेदार नागरिक का एक यही पहचान होती है कि एक दूसरे की मदद करें, हाथ बढ़ाएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप साफ सफाई में सहयोग करें और स्वच्छ कांटी बनाएं। अच्छा, क्या कहेंगे, लगातार जो है सरकार के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है और चलते रहेगा मुहिम, ये सरकार का हम अपील करना चाहते हैं जनता जनार्दन से कि हम लोग का सहयोग करें और बीमारी से मुक्त हो जाएं। ये स्वच्छ भारत के तहत प्रधानमंत्री का दिशा निर्देश से हम लोग इस मिशन में उतरे हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे जनता जनार्दन भी हमको सहयोग करे, स्वच्छ रहे और बीमारी से मुक्त रहे। चलिए मोनू जी, क्या कहेंगे आप सब? देखिए, हमारे जो सफाई कर्मी है, सबसे पहले तो उनका हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि इतना धूप में जो भी जैसा जरूरत होता है वो लोग सफाई करते हैं, जो भी फेस्टिवल हो, और हम लोग साथ मिल के काम करेंगे, जो भी है जैसा भी है, अगर हम लोग उठा रहे तो ऐसा नहीं है कि ये काम छोटा, सब काम बहुत बढ़िया है। और ये महात्मा गांधी जी का ये स्वच्छ भारत का अभियान है, मतलब कि एकदम पूरा संकल्प ले लेना है कि अपना नगर परिषद को साफ सुथरा करके रहना है और कर देना है, बस हमारा यही है। आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा और एकदम बढ़िया, हम लोग पूरा भाईचारा बना के काम कर रहे हैं और भाईचारा बना के काम करेंगे। संतोष जी, सुबह से आप भी साफ सफाई कर रहे हैं। देखिए, कांटी नगर परिषद को हम लोग को एकदम पूरा सफाई में एकदम दुरुस्त रहना है, जो भी कचरा है सब कचरा साफ कर देना है, स्वच्छ नगर परिषद को बनाना है। इसके लिए हम चाहेंगे जितने जनता मालिक है सबको इस अभियान में जुड़ के भाग लेना चाहिए और साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। जब कचरा साफ होगा तो ऑटोमेटिक है बड़ बीमारी सब चीज से दूर रहेगा। अच्छा, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे कि हमारे 2600 वार्ड पूरे एकदम स्वच्छ रहे, ऐसा कि सफाई ही जीवन है, तो सफाई पर विशेष ध्यान रखते हुए आज प्रथम दिन शुरुआत हुआ है और पूरे अक्टूबर भर
एकदम हम लोग एक एक वार्ड में जा करके सफाई पर ध्यान देंगे और इसमें जितने भी सफाई कर्मी हैं सभी को पूरा जागरूक कर दिया गया है कि सफाई एकदम ढंग से होना चाहिए, किसी प्रकार का इसमें कटौती नहीं होगा, जहाँ कमी होगी वहाँ पर उसका विशेष जो है कि उसका जो है कि जो करना पड़ेगा जागरूक, इसलिए सफाई ही जीवन है। 2 अक्टूबर से कल गांधी जयंती भी है, पूरे अक्टूबर में एकदम सफाई भी रहेगा और पूरे स्वच्छ 2600 वार्ड रहना चाहिए, यही अपील करते हैं। चलिए हमारे साथ जो है अभी साफ सफाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सभापति दिलीप कुमार और उप सभापति अजय गुप्ता खुद सभी जगहों पर जाकर साफ सफाई करते दिख रहे थे और लोगों से अपील भी किया है कि साफ सफाई करने से बीमारियां भी दूर होती है। हम भी प्रकाशन लाइव की टीम भी अपील करता है कि आप लोग भी साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई सभी जगहों पर करें और खबर अच्छा लगे तो खबर को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक खबर आप सभी के बीच पहुंचता रहे। तब तक याद दीजिए, जय हिंद जय भारत।